उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर चल रही हैं। प्रदेश के 11 जिलों में बता दें कि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बस्ती में लगातार बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सरयू का जलस्तर बढ़ने के बाद स्थिति काफी खराब हो चुकी है। कई इलाकों में नदी के कटान से दहशत भी है। तो वहीं अब तक 22 मकान सरयू में समा चुके हैं। जौनपुर में आदि गंगा गोमती नदियां उफान पर है। जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो बस्ती में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते सरयू नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। बस्ती से हमारे संवाददाता शैलेंद्र और जौनपुर से हमारे संवाददाता दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बस्ती का रुख करेंगे। शैलेंद्र, जिस तरीके से सरयू नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, परेशानी लगातार बस्ती में बढ़ रही है, क्या स्थिति बनी हुई है अभी? जी, आपको बता दें कि लगातार यहाँ कई महीनों से जब भी जो बरसात होती है या नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो नदियां जब घटती बढ़ती हैं तो लगातार कटान की स्थिति बनी रहती है। आपको बता दें कि बंधे से दक्षिण जो भी गांव बसे हुए हैं, चाहे वो वहां सुविका बाबू से लेकर और यहाँ मदरहवा तक जो भी बंधे से दक्षिण साइड में बसे गांव हैं, उन पे हमेशा खतरा मंडराता रहता है। आपको बता दें कि लगभग कुछ दिन पहले नदी का धारा मोड़ने के लिए ड्रेजिंग का कार्य किया गया था, लेकिन जो ड्रेजिंग किया गया वो बाढ़खंड द्वारा नदी का धारा मोड़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का कहना है कि वो ड्रेजिंग गलत तरीके से किया गया और उसकी धारा मोड़कर सीधा जो है महुआ पार और मदरहवा के पूर्वे की तरफ कर दिया गया। इस वजह से लगातार जो नदी का दबाव है वह दबाव सीधा इस गांव पे पड़ा और आपको बता दें कि लगभग 22 घर जो है वो लगातार जो है वो विलीन हो चुके हैं नदी में। और कल देर शाम को एक घर और जो पंचायत भवन मिनी सचिवालय भी समाहित हो चुका है। आपको बता दें पूरे गांव में भय का माहौल है और जब पहले कटान लगा था जब यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर नदी थी तभी से लगातार न्यूज स्टेट खबर दिखा रहा है और जो कमिश्नर है यहाँ के उनके दौरे के बाद प्रशासन जो है हरकत में आया था और यहाँ कुछ कार्य शुरू किया था। लेकिन आपको बता दें कि जो कटान है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार कटान होने की वजह से जो स्थितियां हैं वह जैस की तैस बनी हुई। बिल्कुल, कहने की परेशानी लगातार बनी हुई है, बने रही हमारे साथ। अब जौनपुर की भी स्थिति जान लेते हैं, दीपक सिंह लगातार बने हैं। दीपक, जिस तरीके से बस्ती में स्थिति काफी खराब है, जौनपुर में भी क्या स्थिति बनी हुई है? जो नदियां हैं उनके जलस्तर में कितना इजाफा हुआ है? बिल्कुल, आपको बता दें जनपद जौनपुर में गोमती नदी पिछले 1971 के बाद इस तरह का जलस्तर बढ़ा है कि घाट के ऊपर से पानी बरसा, सभी घाट डूब गए हैं और नदी के किनारे जितने भी गांव हैं वो डूब गए हैं। वही जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है, नदियों के किनारे लोग न जाएं क्योंकि इतना जलस्तर उसका बढ़ा, उसमें नदियों का जो वो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में लोगों को एडवाइजरी जारी की। वही बात करें जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पिछले दिनों एक आदेश दिया था कि नवरात्र देखते हुए जो सड़कें हैं शहर की उनको गड्ढा मुक्त किए जाए। ऐसे में जनपद जौनपुर एसटीपी का काम पिछले 5 सालों से चल रहा है, सारे सड़कें जो है धस गई। हमने कई विजुअल अपने न्यूज स्टेशन पे भेजा, न्यूज स्टेशन पर, तो इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही है। बात करें तो लोग इसका आनंद भी ले रहे हैं, जैसे कि नदियों के किनारे लोग जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो तमाम गलियां जलमग्न हो गई हैं। नगर का एक स्पॉट इलाका है काली कुत्ती, जो वहाँ सबसे ऐतिहासिक मंदिर महर माता मंदिर, वहाँ करीब घुटनों भर पानी है, ऐसे में लोगों को आना जाना पड़ता है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। बात करें इस गली के लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हर साल ऐसी स्थिति रहती है, नगर पालिका जहाँ हर साल कहता है कि हम इसको सही करा देंगे, तमाम गलियां तमाम नाले चोक हो गए हैं, गंदे गंदे जो पानी है नाले के वो सड़कों पर आ रहे हैं। ऐसे में डीएम जौनपुर ने लोगों को जल निगम को निर्देशित किया कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किए, क्योंकि नवरात्र एक दो दिन ही रह गए हैं। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन के लिए चुनौती भी है कि कैसे इन जो सड़क है, क्योंकि पंडाल पूजा पंडाल के लिए जो मूर्तियां हैं उनको भी पंडाल तक पहुंचाना एक बड़ा चुनौती है जिला प्रशासन के लिए, कि ऐसे में कैसे जो मूर्तियों को पंडाल तक पहुंचाएंगे। वहीं जिलाधिकारी जौनपुर ने न्यूज स्टेट की खबर चलने के बाद जल निगम के एक्सचेंज को फटकार भी लगाई थी। उनका कहना था कि जल्द से जल्द सड़कों को सही करें और उसका जियो ट्रैकिंग करके जिलाधिकारी के द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में उसको डालें, लेकिन दिखता नहीं कि इस तरह की तस्वीरें जल्द से जल्द, क्योंकि नवरात्र शुरू होने में 2-3 दिन का समय रह गया है। ऐसे में जो सीएम योगी का आदेश है उसको जिला प्रशासन कैसे चुनौती से इसको लेता है और कैसे पूरा कराता है वो देखने वाली बात हो। वहीं बात करें जनपद जौनपुर के तमाम नगर पंचायत, चाहे कचगांव हो,
चाहे वो जफराबाद हो, चाहे वो बदलापुर हो, चाहे मुगरा वास्ता हो, चाहे सागंज हो, तमाम इलाकों में जो है पानी जो पानी लगा हुआ है। लोग तमाम गलियां हैं, तमाम इलाके हैं जहां पानी लगा हुआ है। बात करें तो बदलापुर नगर पंचायत जहां करोड़ों रुपए की बात। चलो ठीक है, हम तुरंत लौटते हैं आपके पास। शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं हमारे साथ बस्ती से। शैलेंद्र, जिस तरीके से नदियों में जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसमें जो निचले इलाके हैं वहां के लोगों के सामने और क्या समस्या आ रही है, प्रशासन क्या कुछ मदद मुहैया करा रहा है? जी आपको बता दें कि जहां भी व्यवस्था, जहां जो है नदी से कटान नहीं लगा है वहां, या जो घर कट चुके हैं, प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि हम वहां जो भी उनके राशन है, मतलब अन्य चीजें हैं, उनके जरूरत की चीजें वो मुहैया करा रहे हैं। लगातार डीएम का दौरा भी बाढ़ क्षेत्रों में बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जो स्थितियां मौके पर बनी हुई हैं मईपुर और मदरावा में, इनको कई वर्षों से जो है ये कई पुश्तों से यहाँ रह रहे थे, अब लगातार कटान से कहीं ना कहीं ये भयभीत हैं। और जो प्रशासन से जो मदद मुहैया हो रहा था कि बाढ़ को, बाढ़ के कटान को रोका जाए, लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं परेशानी जो है जस की तस बनी हुई है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों पर आप लोग नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ का कहर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुशीनगर से लेकर गोरखपुर और अयोध्या से लेकर श्रावस्ती तक बाढ़ के पानी से हाहाकार मचा हुआ है, दिखाएंगे आपको। भारी बारिश से कोसी नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। उफनती नदी का पानी मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी का जल स्तर फिर बढ़ गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। दरअसल कुशीनगर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। नेपाल ने गंडक बैराज से 662,000 क्यूसिक पानी छोड़ा है, जिससे कई गाँव में ये पानी भर चुका है। नेपाल के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रहे बारिश के चलते कुशीनगर में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। नारायणी नदी किनारे बसे गांव मरचावा, बसंतपुर, हरिहरपुर, शिवपुर, तमाम ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ का पानी घरों तक जा पहुंचा है। बाढ़ के संकट को देखते हुए कुशीनगर प्रशासन ने गाँव के सभी लोगों को अलर्ट कर दिया। सभी लोगों से अनुरोध किया है कि सभी लोग किसी ऊंचे स्थान पर जाके अपना निवास स्थल बना ले। बताते चले कि बीते दो दिनों में नेपाल ने लगभग 6 लाख क्यूसेक पानी नारायणी बैराज में छोड़ा है, जिसकी वजह से बड़ी गंडक नारायणी नदी अब उफान पे आ गई। गांव में पानी भरने से लोग पलायन के लिए मजबूर हो चुके हैं। शिवपुर, बसंतपुर, हरिहरपुर, नारायणपुर, मरचहवा, बकुलादह, बाल गोविंद छपरा समेत कई गाँव में बाढ़ का खतरा है। जो भी ये ग्राम सभा नारायणी नदी पार में 7 ग्राम पंचायत है, सातों ग्राम सभा डूबा हुआ है। तत्काल सरकार को चाहिए जो है उधर से जो है चिवड़ा मीठा की व्यवस्था करके तत्काल भेजे कि ताकि लोगों को जो है खाने का जो है लोगों को जो है राहत मिले। नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे उफनती पुलिया के बीच ट्रैक्टर निकालते लोग नजर आ रहे हैं। सरासी लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो सकता है। कुशीनगर में पिछले 48 घंटों की बारिश से बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। भारी जल जमाव की वजह से जिले के कई इलाकों में आपूर्ति केंद्र में पानी घुस गया। विद्युत सब स्टेशन में पानी घुसने के बाद आनन फानन में बिजली की सप्लाई को बंद किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सप्लाई बंद होने से बिजली गुल है। श्रावस्ती में लगातार हो रही बारिश से राप्ती नदी उफान पर है। राप्ती नदी से सटे दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर से तेजी से कटान शुरू हो चुका है। बाढ़ के बचाव के लिए बनाए गए बांधों को राप्ती नदी काट रही है, जिससे दर्जनों गांव की बाढ़ चपेट में आने की आशंका और बढ़ गई है। लगातार हो रही नदी के कटान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तहसील भिंगा के मोहम्मदपुर कला के दोनदरा गांव में लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ बारिश की तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से सड़कों की जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में देखिए रिहायशी इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है, यहां तक कि गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया है। जिले के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो चुका है। घरों के बाहर पानी भरने से लोगों का निकलना दुश्वार हो चुका है।
अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। पानी में सरयू नदी के घाट डूबने लगे हैं। जल पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ग्रेटर नोएडा में तेज बरसात के बाद किसानों की 2500 बीघा की धान की फसल बर्बाद हो गई। लुहारली, नया गांव, कोट डेरी, भोगपुर, कैमराला में तो आधा दर्जन से ज्यादा गांव के किसान परेशान हैं। लगातार तेज बरसात के बाद और जो नहर और नाले के उफान के बाद कहीं ना कहीं जो किसानों की फसल है पूरी तरीके से बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। लगभग 2500 बीघा के फसल के आसपास जो धान की फसल है किसानों की बर्बाद हो गई। दादरी के तहसील में के क्षेत्र में आपको बता रहे हैं लोहारली, नया गांव, बसंतपुर, कोट डेरी गांव के आस, भोगपुर, कैमराला के ये जो गांव है इनकी जो फसल है पूरी तरह धान की फसल जो बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने दादरी एसडीएम से शिकायत की है इस मामले में। दादरी एसडीएम ने एक टीम का गठन किया है जिसके बाद पानी की निकासी और जो आसपास साफ सफाई है उसकी निकासी की तैयारी की जाएगी। आपको बता दें जो किसानों की धान की फसल है इस समय पूरी पक्की हुई फसल खड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जल जो बरसात है उसे ज्यादा होने से और नहर और नालों के ओवरफ्लो होने के कारण जो किसानों की फसल है पूरी तरह बर्बाद हो गई है और कहीं ना कहीं काफी पानी भर जाने से कहीं ना कहीं जो किसान है उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं मायूसी छाई हुई है। कन्नौज में बारिश की वजह से एक कच्चे मकान की छत भर भरा कर गिर गई, जिससे छत पर सो रहे एक ही परिवार के 6 लोग मलबे में दब गए। ये पूरी घटना इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव की है। मलबे में दबने से 2 सगे भाई बहन की मौत हो गई। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद से लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अमेठी के रामगंज से हनुमानगंज तक जगदीशपुर कस्बे में सड़कों का बुरा हाल है। सड़कों पर हुए बड़े बड़े गड्ढे तालाब में तब्दील हो चुके हैं। जब गाड़ियां फंस जाती हैं आप देख रहे हैं नालियां पूरी, वो नाली इधर है नहीं मेन रोड पे, नाली ना होने की वजह से लोगों घरों का पानी जो है सड़कों पर आता है, सड़क तो खराब ही हो रही है। इसकी शिकायत भी कई बार की गई विधायक जी से और पीडब्ल्यूडी विभाग से, लेकिन बस आते हैं गिट्टी बराबर करते हैं, चलाकर डंपर फिर बंद कर देते हैं। विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि हम जो है इसको बनवा देंगे, लेकिन अभी तक उसको अभी नहीं हो पाएगा। पिछले 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव हो गया है। गुलाबगंज चौराहे और रेलवे स्टेशन के समीप अयोध्या मार्ग पर 2 से 3 फीट के गड्ढे हैं। इस बीच सड़क पर हुए गड्ढे में ई रिक्शा पलट गया। हालांकि स्थानीय राहगीर ने ई रिक्शा में सवार लोगों को बाहर निकाला। टीम